साल 2002 के फरवरी महीने में गुजरात में बेहद संगठित तरीके से दंगे रचे जाते हैं। गुजरात के अलग अलग इलाकों में हुए ये नरसंहार अलग अलग केसों के नाम से जाने गए, जैसे बेस्ट बेकरी मामला। यहाँ गुजरात दंगों के दौरान 14 लोगों को जिंदा जला दिया गया। उसी तरह बिल्किस बानो मामला चर्चित हुआ, यहाँ बिल्किस के परिवार के 14 सदस्यों का कत्ल कर दिया गया था। उसी प्रकार गुलबर्ग सोसाइटी का मामला कोर्ट में चला, यहाँ 69 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया। इसी तरह दो और मामले कोर्ट में चले, एक अहमदाबाद जिले का नरुदा पाटिया मामला और दूसरा नरुदा गांव मामला। ये दोनों जगह आपस में करीब 1 किलोमीटर के फासले पर मौजूद हैं। नरुदा पाटिया प्रवासी मुस्लिम मजदूरों की बस्ती थी, यहाँ गुजरात दंगों के दौरान 97 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। जिस वक्त नरुदा पाटिया में कत्लेआम चल रहा था, उसी वक्त पास के नरुदा गांव में भी 11 लोगों का कत्लेआम कर दिया गया था। इस इलाके की विधायक का नाम था माया कोडनानी। माया कोडनानी का नाम नरुदा पाटिया और नरुदा गांव दोनों मामलों में आया। माया कोडनानी के साथ ही बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी का नाम भी इन हत्याकांडों में आया। साल 2002 से लेकर साल 2012 तक नरुदा पाटिया मामले की कानूनी लड़ाई चलती रही। अंततः साल 2012 में अहमदाबाद की विशेष अदालत ने माया कोडनानी और बाबू बजरंगी दोनों को ही निर्दोष लोगों के कत्लेआम के लिए दोषी माना और उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन साल 2018 में गुजरात हाईकोर्ट ने माया कोडनानी को रिहा कर दिया। इसी तरह साल 2019 में बाबू बजरंगी को भी जमानत दे दी जाती है। अब साल 2023 के अप्रैल महीने में नरुदा गांव का जजमेंट भी आ जाता है। लेकिन नरुदा गांव मामले में गुजरात की स्पेशल कोर्ट के एक जज ने न केवल माया कोडनानी को रिहा कर दिया, बल्कि बाबू बजरंगी समेत सभी 69 आरोपियों को रिहा कर दिया। जबकि बाबू बजरंगी वो आदमी है जो एक वीडियो स्टिंग ऑपरेशन में बड़े ही गर्व से बताता है कि कैसे उसने निर्दोष मुस्लिमों का कत्लेआम किया। सवाल ये है कि नरुदा गांव और नरुदा पाटिया के लोगों की हत्या इन्होंने नहीं की तो किसने की? क्या करीब 108 लोगों ने खुद ही आग लगाकर अपनी हत्या कर ली? आखिर किसने नरुदा गांव और नरुदा पाटिया के निर्दोष मुस्लिमों को जिंदा जलाया? किसने महिलाओं के बलात्कार कर उन्हें आग के हवाले किया? इसलिए आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे नरुदा पाटिया और नरुदा गांव के नरसंहार की पूरी सच्चाई, साथ ही माया कोडनानी और बाबू बजरंगी की हकीकत की भी तलाश करने की कोशिश करेंगे। इस मामले में अमित शाह के द्वारा दी गई उस गवाही के बारे में भी बात करेंगे जिसके कारण माया कोडनानी का मामला एकदम से पलट जाता है और वे रिहा कर दी जाती है। इन तमाम सवालों के जवाबों की तह में जाने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। 27 फरवरी 2002 के दिन साबरमती ट्रेन की एक बोगी में एक उग्रवादी भीड़ ने आग लगा दी। इस दुर्घटना में करीब 59 लोग जिंदा जलकर मर जाते हैं। इस घटना को गोधरा कांड के रूप में जाना गया। जिस साबरमती ट्रेन में आग लगाई गई उसमें कार सेवकों की भीड़ थी जो गुजरात से अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए चल रहे आंदोलन में गए थे। गोधरा कांड और उसके बाद हुए गुजरात दंगों की जांच करने वाले कंसर्न सिटीजन्स ट्रिब्यूनल की जांच के अनुसार साबरमती एक्सप्रेस 22 फरवरी 2002 के दिन अहमदाबाद से अयोध्या के लिए निकली थी। इसमें सैकड़ों कार सेवक सवार थे। गोधरा से करीब 80 किलोमीटर दूर दाहोद रेलवे स्टेशन पर कार सेवकों ने एक मुस्लिम दुकानदार के साथ मारपीट की और दुकानें भी तोड़ डाली। अयोध्या पहुंचने के पहले ही रुदौली और दरियाबाद स्टेशन के बीच भी कार सेवकों ने मुस्लिम यात्रियों, महिलाओं और बच्चों पर हमले किए। जब कुछ मुस्लिम लड़कों ने इसका विरोध किया तो उन्हें पतरंगा और रोजा गांव स्टेशन के बीच ट्रेन से फेंक दिया जाता है। अयोध्या और उसके आसपास के जिलों से निकलने वाले अखबार जनमोर्चा ने गोधरा कांड से दो दिन पहले यानी 25 फरवरी 2002 के दिन इस साबरमती ट्रेन में सवार कार सेवकों की खबरों को छापा। जनमोर्चा अखबार के अनुसार साबरमती एक्सप्रेस में सवार करीब 2000 त्रिशूलधारी बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दरियाबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भयंकर आतंक मचाया। अखबार के अनुसार टाकिया खैरनपुर के रहने वाले अता मोहम्मद प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। कार सेवकों ने उन्हें बिना बात के पीटा, कुछ को पकड़कर जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए। 50 साल के मोहम्मद अबसार की दाढ़ी को पकड़कर नोच डाली गई। उनके शरीर में त्रिशूल घोंप दिया जाता है। अयोध्या में धर्म प्रदर्शन कर कार सेवकों की ये भीड़ अयोध्या से वापस अहमदाबाद लौटने के लिए साबरमती एक्सप्रेस में सवार हो जाती है। रास्ते भर वही नारे लगाए जाते हैं जो आज लगाए जाते हैं, जैसे मुस्लिमों भारत छोड़ो, पाकिस्तान जाओ, मंदिर वहीं बनाएंगे आदि आदि।
27 फरवरी की सुबह करीब 7:30 बजे साबरमती एक्सप्रेस गुजरात के गोधरा पहुंचती है। आउटलुक मैगजीन के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यहां भी कार सेवकों की मुस्लिम दुकानदारों से फिर से झड़प हो जाती है। कुछ ऐसी भी रिपोर्ट हैं जो कहती हैं कि कार सेवकों ने एक मुस्लिम लड़की को छेड़ा और उसे ट्रेन के अंदर ले जाने की कोशिश की। इसी दौरान मुस्लिम दुकानदारों की कार सेवकों से लड़ाई हो जाती है। अब आसपास के इलाकों में अफवाह फैल गई कि रेलगाड़ी की S6 नाम की एक बोगी में मुस्लिम लड़की को बंद करके ले जाया जा रहा है। इसी बीच ट्रेन गोधरा स्टेशन से अहमदाबाद के लिए चलने ही लगती है कि 1 किलोमीटर दूर सिंगल फालिया नाम की जगह पर अचानक किसी ने ट्रेन की चैन खींच दी। यहां स्थानीय मुस्लिमों की भीड़ आ जाती है, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। इसी बीच किसी ने S6 बोगी में आग लगा दी। धार्मिक उग्रवाद और अफवाहों के कारण 59 यात्रियों की जान चली गई, वे जिंदा जल गए। एक तरह से साबरमती ट्रेन की घटना गुजरात और देश भर में फैलाई जा रही हिंदू मुस्लिम नफरत का परिणाम थी। पहले से ही राम मंदिर निर्माण के नाम पर विश्व हिंदू परिषद और RSS और बजरंग दल के द्वारा देश भर में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। इसी बीच एक ऐसी घटना हो गई जो गुजरात को सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करने के काम आ सकती थी। सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो इस घटना के तुरंत बाद ही राज्य में कर्फ्यू लगाती और निर्दोष लोगों को दंगों में झोंके जाने से रोकती और जो भी लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार थे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देती। लेकिन यहाँ राजनीति शामिल हो वहाँ न्याय महत्वपूर्ण नहीं होता। गुजरात सरकार में बैठे कुछ लोगों की मंशा कुछ और थी। गोधरा कांड के अगले ही दिन विश्व हिंदू परिषद ने गुजरात बंद का ऐलान कर दिया। 28 फरवरी की सुबह ही पूरे गुजरात में संगठित तरीके से मुस्लिमों के घरों पर हमले शुरू हो जाते हैं, जबकि इनका गोधरा कांड से कोई लेना देना नहीं था। ये ऐसे ही था जैसे इन गुजरात दंगों की सजा मुस्लिमों की भीड़ के द्वारा उत्तर प्रदेश के किसी गाँव में रह रहे किसी हिंदू परिवार को दे दी जाए, मतलब किसी और के किए अपराध की सजा किसी और को दे दी जाए। इस गुजरात बंद के दौरान ही अहमदाबाद के नरोदा पाटिया में भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की भीड़ पहुंच जाती है। नरोदा पाटिया के लोगों का भी गोधरा कांड से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। गोधरा और नरोदा पाटिया के बीच में करीब 2.5 और 3 घंटे की दूरी है, लेकिन धार्मिक उन्माद में अंधी भीड़ को इससे कोई मतलब नहीं था, सिवाय इसके कि इस बस्ती के लोग मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते थे। नरोदा पाटिया के 1 किलोमीटर की दूरी पर ही नरोदा गांव था। ये दोनों मुस्लिम प्रवासियों की बस्ती थी जिनमें अधिकतर गरीब मजदूर रहते थे जिनका काम मजदूरी था और अपने बच्चे पालना था। इनमें से अधिकतर लोग गुलमर्ग, केरला, महाराष्ट्र और कुछ UP और राजस्थान से थे। जैसे आम प्रवासी अलग अलग राज्यों में अपना पेट पालने के लिए जाते हैं, वैसे ही ये मजदूर अलग अलग राज्यों से आकर यहाँ रह रहे थे। लेकिन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की भीड़ ने इन बेगुनाह मुस्लिम मजदूरों की बस्ती पर हमला कर दिया। सबसे पहले नरोदा पाटिया की नूरानी मस्जिद और उसके सामने स्थित मुस्लिम चौल पर करीब 10 बजे हमला कर दिया गया। चौल एक तरह से ऐसी बिल्डिंग होती है जिनमें एक परिवार के पास सिर्फ एक कमरा होता है और कॉमन बाथरूम होता है। अक्सर बॉलीवुड की फिल्मों में भी आपने इन्हें देखा होगा, एक तरह से ये बिल्डिंग वाली झुग्गियाँ हैं। उत्तेजित भीड़ मुस्लिम चौल में रहने वाले मुस्लिमों के इन घरों में घुसकर हिंसा करने और आग लगाने लग जाती है। नूरानी मस्जिद पर पत्थरबाजी शुरू हो गई, आग लगाई जाने लगी। ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करने के लिए हथियारों ने इन घरों के सिलेंडरों को जलाना भी शुरू कर दिया। भीड़ के हाथ में न केवल धारदार हथियार थे बल्कि पेट्रोल और डीजल जैसे ज्वलनशील पदार्थ भी थे। सुबह करीब 9 बजे से शुरू हुआ ये नरसंहार शाम करीब 8 बजे तक चलता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए आसपास के इलाकों में भागने लगे, लेकिन उन्हें पकड़कर जिंदा जला दिया जाता है। महिलाओं को पकड़कर उनका रेप किया जाता है और उनके परिवार के लोगों के आगे जला दिया जाता है। इस दौरान महिलाओं के रेप किए गए, वो भी सबके सामने किए गए। उन्हीं रेप पीड़िताओं को रेप करने के बाद वहीं जिंदा जला दिया गया। इस नरसंहार में 1-2 लोग नहीं बल्कि 150 से अधिक लोग मारे गए। सरकारी आंकड़ों की ही बात करें तो इस नरसंहार में कुल 97 मुस्लिमों की हत्या कर दी गई, जिनमें 36 महिलाएं थी, 35 छोटे छोटे बच्चे थे और 26 पुरुष थे। लेकिन कमाल की बात यह रही कि सुबह से लेकर शाम तक नरसंहार चलते रहे, लेकिन कहीं भी पुलिस नहीं आई, पुलिस एकदम गायब रही। पास में ही स्टेट रिजर्व पुलिस के रहने के क्वार्टर थे, यानी SRP क्वार्टर। घरों में मारे जा रहे कुछ मुस्लिमों ने भागकर इन SRP क्वार्टर्स में जाकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें घुसने नहीं दिया गया, उल्टा पीटा गया। रात जाकर उनकी जान बची, उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन में कैंप ले जाया गया, तब जाके उनकी जान बची। इस भीड़ को भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जैसे किशन कुरानी, PJ राजपूत, हरीश रोहरा, राजू चोबल और बाबू बजरंगी जैसे लोग लीड कर रहे थे, जिनके हाथ करीब 15 से 17 हज़ार लोगों की भीड़ थी। जिस वक्त भीड़ नरोदा पाटिया में कत्लेआम कर रही थी, उसी वक्त एक भीड़ 1 किलोमीटर के दूर
नरोदा गांव में भी आगजनी और हिंसा शुरू कर चुकी थी। यहां भी भीड़ ने 11 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। नरोदा पाटिया और नरोदा गांव दोनों ही कत्लेआमों में माया कोडनानी और बाबू बजरंगी का नाम आया। माया कोडनानी उस समय नरोदा पाटिया इलाके की विधायक थी। माया कोडनानी पर आरोप लगा कि उन्होंने खड़े होकर भीड़ से कहा कि मुस्लिमों की हत्या कर दो। माया कोडनानी पर इस मामले में एक महिला जज ने दंगों की सरगना भी कहा। इसकी पूरी कहानी आपको आगे पता चलेगी। नरोदा पाटिया मामले पर ह्यूमन राइट्स वॉच नाम के एक इंटरनेशनल एनजीओ ने भी ग्राउंड पर जाकर जांच की थी। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के अनुसार नरोदा पाटिया के शाहीबाग में स्थित दरिया खान घुम्मट कैंप नाम की जगह पर बनाई एक सामूहिक कब्र में 61 लोगों को एक साथ दफनाया गया, जिनमें 34 महिलाएं और 27 बच्चे थे। इन लोगों में से किसी का भी गोधरा कांड से कोई संबंध नहीं था, लेकिन उन्हें सजा दी गई। इस कब्र के पास ही एक कब्र खोदने वाले ने ह्यूमन राइट्स वॉच को बताया कि करीब 3 महिलाएं ऐसी थीं जो गर्भवती थीं, जिनके पेट काटकर उनके भ्रूण निकाल दिए गए। अजन्मे बच्चे अपनी माओं के पेट से लटके हुए थे, उन्हें माँ के पेट से दोबारा सटाकर दफनाया गया था। इस नरसंहार के मुख्य आरोपी और बजरंग दल का नेता बाबू बजरंगी तहलका मैगजीन के एक स्टिंग ऑपरेशन में बड़ी ही शान से बता रहा है कि कैसे उसने मुस्लिम महिलाओं के पेट को चीरकर अजन्मे बच्चों को बाहर निकाल दिया। इस स्टिंग ऑपरेशन में बाबू बजरंगी नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद देता है और कहता है कि जो गुजरात के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने किया वो कोई और नहीं कर सकता था। पुलिस सामने खड़ी रही और हमने मुसलमानों की हत्याएं की, अगर मोदी ना होते तो हम ये कभी ना कर पाते। पुलिस इतनी अधिक थी कि हमें नरोदा पाटिया में घुसने भी नहीं देती, इतना सारा पुलिस फोर्स था, लेकिन हमें रोका नहीं गया। बाबू बजरंगी ने ये भी कहा कि जब मुसलमानों का नरसंहार हो गया उसके बाद पुलिस कमिश्नर आया और बोला, मौतों की संख्या बहुत अधिक हो गई है, मेरे लिए मुश्किल होगा, इसलिए लाशों को अलग अलग जगह भिजवा दिया जाए और उन अलग अलग जगहों पर उनकी मौत दिखाकर पोस्टमार्टम करवाए गए। इसके अलावा एक और दावा इस स्टिंग ऑपरेशन में बाबू बजरंगी के द्वारा किया गया कि जब कमिश्नर ने मेरे खिलाफ ऑर्डर जारी किया तो मुझसे घर से भाग जाने के लिए कहा गया और नरेंद्र भाई ने ही मुझे माउंट आबू के गुजरात भवन में 4.5 महीने रखा। नरेंद्र भाई ने ही मुझे जमानत से बाहर निकलवाया, नहीं तो मैं जेल से बाहर नहीं निकल पाता। तहलका मैगजीन के इस स्टिंग ऑपरेशन में बाबू बजरंगी आगे कहता है, पहले जज ढोलकिया जी ने तो कहा था कि बजरंगी को फांसी पर लटकाना चाहिए और एक बार नहीं बल्कि 5 बार लटकाना चाहिए। फिर दूसरा जज आया और उसने भी कहा कि मुझे फांसी मिलनी चाहिए। फिर नरेंद्र भाई ने मुझे मैसेज भेजा और कहा कि कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। अगला जज अक्षय मेहता नाम का आदमी बना, उसने मेरी फाइल की तरफ देखा भी नहीं और मुझे जमानत दे दी और मैं जमानत पर बाहर आ गया। बाबू बजरंगी ने तहलका मैगजीन के इस स्टिंग ऑपरेशन में कबूल किया कि नरोदा पाटिया में उसने मुस्लिमों की हत्याएं की, उनके घरों में गैस सिलेंडर से बम ब्लास्ट किए। यही कारण है कि साल 2012 में जब नरोदा पाटिया मामले का जब जजमेंट आया तो अहमदाबाद स्पेशल कोर्ट की जज जस्टिस ज्योत्सना याज्ञिक ने बाबू बजरंगी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, लेकिन जज ज्योत्सना याज्ञिक ने इस नरसंहार का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड माना एक महिला को। अपने फैसले को सुनाते हुए जस्टिस ज्योत्सना याज्ञिक ने इस महिला को किंग पिन ऑफ राइट्स यानी कि दंगों का सरगना कहा। इस महिला का नाम था माया कोडनानी। माया कोडनानी कोई छोटी मोटी महिला नहीं थी, बल्कि गुजरात सरकार में महिला विकास मंत्री रह चुकी थी और 3 बार विधायक चुनी गई थी। कोडनानी पर आरोप है कि उन्होंने हिंदुओं को भड़काया और मुस्लिमों का नरसंहार करवाया, लेकिन कोडनानी ने अपनी सफाई में कहा कि वो तो उस समय राज्य की विधानसभा को अटेंड कर रही थी। लेकिन उनके कॉल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जिस वक्त नरोदा पाटिया में मुस्लिमों का नरसंहार हुआ उस समय वे नरोदा में ही थी। यही बात गवाह कहते हैं। माया कोडनानी के खिलाफ बयान देने वालों में से एक गवाह दिलदार उमराव ने कोर्ट में बयान दिया कि उसने माया कोडनानी को हथियार बांटते देखा था। उमराव ने यह भी कहा कि उसे गवाही ना देने के लिए पैसे देने की बात भी कही गई और कई बार हमले भी किए गए। माया कोडनानी और बाबू बजरंगी को सजा सुनाने वाली जस्टिस ज्योत्सना याज्ञिक ने आगे कहा, यह दंगा अमानवीय है, शर्मनाक और नृशंस था। इसमें 97 लोगों की हत्या कर दी गई, इसमें असहाय महिलाएं, बच्चे और बूढ़े भी थे। इस नृशंस हिंसा का क्लाइमेक्स तब माना गया जब एक 20 दिन के छोटे से बच्चे की भी हत्या कर दी गई। कोर्ट ने जिस समय माया कोडनानी को दंगों का सरगना कहा, वो माया कोडनानी RSS महिला विंग से जुड़ी हुई थी, जिसे नरोदा पाटिया में महिलाओं के साथ पब्लिकली गैंग रेप किया गया और जिन्हें जिंदा जलाया गया। उसी नरोदा पाटिया से माया कोडनानी 3 बार विधायक बनी। गुजरात दंगों से पहले हुए चुनाव में वे 75,000 वोटों से जीती थी, लेकिन जब दंगे हुए तो उसके बाद उसी साल हुए चुनावों में माया कोडनानी 1,10,000 वोटों से जीतती हैं। फिर साल 2007 में हुए चुनाव में और अधिक डबल मार्जिन से वे जीतती हैं,
180,000 वोटों से विधायक बनकर वे पहुंचती हैं। क्यों बनकर आईं, इसके पीछे कोई विकास, स्कूल, हॉस्पिटल नहीं थे, इसके पीछे दंगों में उनका संदिग्ध हाथ था। कोडनानी की भूमिका को उस वक्त गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा भी सम्मानित किया गया। मोदी ने अपनी राज्य सरकार में माया कोडनानी को महिला और बाल विकास मंत्रालय का मंत्री बना दिया। कितने दुर्भाग्य की बात है कि जिस महिला विधायक पर आरोप हो कि उसकी उपस्थिति में महिलाओं के साथ गैंगरेप किए गए हैं, जिंदा जलाया गया है, मासूम बच्चों की हत्या की गई है, वही गुजरात सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभालने के लिए चुन दी जाती हैं। हालांकि बाद में जब माया कोडनानी पर नरोदा पाटिया का केस चला तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा, अन्यथा कानून की नज़र में वे भी साल 2012 तक निर्दोषी थी। लेकिन सिर्फ 6 साल के बाद ही इस केस में भी एक और टर्निंग पॉइंट आ जाता है, जिस माया कोडनानी को ट्रायल कोर्ट ने दंगों की सरगना कहते हुए 28 साल की सजा सुनाई थी। उस जजमेंट को साल 2018 में गुजरात हाई कोर्ट ने पलट दिया और नरोदा पाटिया मामले में माया कोडनानी को बरी कर दिया। साथ ही बाबू बजरंगी की सजा उम्र कैद से घटाकर 21 साल कर दी गई। माया कोडनानी को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा कि सबूत नहीं मिले, जो गवाह थे वे विश्वास करने योग्य नहीं है। कोर्ट ने माया कोडनानी को बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा देते हुए नरोदा पाटिया मामले से रिहा कर दिया। यहां कमाल की बात यह कि जिस एसआईटी ने अपनी जांच में सबको मुक्त कर दिया, उसने भी माया कोडनानी के बारे में अपनी जांच में कहा था कि जिस सुबह नरोदा पाटिया में नरसंहार हुआ, उसी सुबह करीब 9:30 बजे माया कोडनानी विधानसभा से आने के बाद नूरानी मस्जिद के पास पहुंची और कुछ गवाहों के अनुसार उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को मार डालो और उनकी संपत्ति जला डालो। एसआईटी के अनुसार माया कोडनानी को 11 गवाहों के द्वारा देखा गया। गवाहों ने बताया कि माया कोडनानी ने खुद हमलावरों को तलवारें बांटी और निर्दोष मुस्लिमों पर हमला करने के लिए कहा। माया कोडनानी के संदिग्ध रोल का सीधा सीधा फायदा उन्हें तुरंत हुए चुनावों में भी दिखा। कोडनानी न केवल 2-2 बार प्रचंड वोटों के अंतर के साथ विधायकी जीती, बल्कि उन्हें मोदी ने प्रमोट करते हुए महिला विकास मंत्री भी बनाया था। माया कोडनानी को एसआईटी की स्पेशल कोर्ट ने ही साल 2012 में दंगों के लिए भीड़ को उकसाने के लिए दोषी माना था और 28 साल जेल की सजा सुनाई। लेकिन माया कोडनानी ज़्यादा दिन तक जेल में नहीं रही। मोदी सरकार आने के बाद साल 2018 में गुजरात हाईकोर्ट ने माया कोडनानी को नरोदा पाटिया मामले से रिहा कर दिया। हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि माया कोडनानी अभी भी नरोदा गांव मामले में, जिसमें कि 11 लोगों का कत्ल कर दिया गया था, उस केस में अभी भी आरोपी थी। लेकिन अब साल 2023 के अप्रैल महीने में माया कोडनानी को बाबू बजरंगी के साथ नरोदा गांव केस से भी रिहा कर दिया गया है। नरोदा पाटिया और नरोदा गांव दोनों ही मामले गुजरात दंगों के 9 मामलों में से एक थे। बाकी मामले जैसे बिल्किसवानो मामला, गुलबर्ग सोसाइटी मामला, बेस्ट बेकरी मामला आदि, बाकी मामलों में अदालतों के फैसले आ चुके हैं। सिर्फ नरोदा पाटिया का मामला अभी तक बचा हुआ था। अब उसका भी जजमेंट आ चुका है। जजमेंट भी ऐसा आया कि ऐसे लगता है कि जैसे गुजरात दंगों के पीड़ितों को शायद इस जन्म में तो न्याय नहीं मिल पाएगा। जिन्होंने अपने पिता को आंखों के आगे मरते देखा, जिन्होंने अपनी बहनों के साथ बलात्कार होते हुए देखा, जिन पिताओं ने अपने बच्चों को जिंदा जलते हुए देखा, उन परिवारजनों को कभी न्याय नसीब नहीं हुआ, न आगे नसीब होता हुआ दिखाई पड़ता। क्या फ़र्क पड़ता है कि वे किस धर्म से आते थे? गोधरा के हत्यारों को भी सजा मिलनी चाहिए थी, गुजरात दंगों के हत्यारों को भी मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि हमेशा कमज़ोर आदमी मारा जाता है, दंगों में भी, अदालतों की चौखट पर भी। कमाल की बात है, जिस माया कोडनानी को गुजरात की स्पेशल कोर्ट साल 2012 में 28 साल की सज़ा सुनाती है, 6 साल के बाद ही गुजरात हाई कोर्ट उसे रिहा कर देती है। इतना अंतर कैसे हो जाता है? सिर्फ सबूतों और गवाहों के पलटने और पलटाने से ही पूरा जजमेंट बदल जाता है। जिस माया कोडनानी पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित एसआईटी कहती है कि वो दंगों के वक्त नरोदा पाटिया इलाके में थी, जिन माया कोडनानी की कॉल डिटेल्स कहती हैं कि उनकी लोकेशन दंगों के वक्त नरोदा पाटिया इलाके में ही रही थी, उन्हीं माया कोडनानी के लिए अमित शाह बयान देते हैं कोर्ट में कि उन्होंने माया कोडनानी को सुबह 8 बजे गुजरात विधानसभा में देखा था और इसके बाद करीब 11 बजे 16 सिविल अस्पताल में देखा था। अमित शाह की गवाही एसआईटी पर भारी पड़ गई। अमित शाह की गवाही के आधार पर ही मान लिया गया कि माया कोडनानी दंगों के वक्त नरोदा पाटिया और नरोदा गांव में नहीं थी, वे वहाँ गई ही नहीं। जब गई ही नहीं तो फिर दूसरी किस बात की? लेकिन वे पीड़ित, जिन्होंने अपने घरों को जलते हुए देखा, अपने परिवारजनों को मरते हुए देखा, जो कहते हैं कि उन्होंने माया कोडनानी को आंखों से देखा था, वे हो सकता है सपना देख रहे हों। अमित शाह की गवाही माया कोडनानी के लिए जीवन दान बन गई। उन्हें साल 2018 में नरोदा पाटिया केस से मुक्त कर दिया गया। अब साल 2023 में नरोदा गांव केस से भी मुक्त कर दिया गया। हालांकि वे इस वक्त जेल में नहीं थी, बल्कि जमानत पर बाहर थी। कुल जमा कहानी यह है कि भारत में न्याय एक तुक्का है,
कभी न्याय मिल जाता है कभी नहीं मिलता। नरोदा पाटिया और नरोदा गांव में सिर्फ भाजपा और बजरंग दल के नेताओं का भी हाथ नहीं था, बल्कि अहमदाबाद के जिस जोन में नरोदा पाटिया आता था उस जोन के DCP थे PV गोंडिया। गोंडिया के वक्त ही नरोदा पाटिया में नरसंहार हुआ था। जैसे माया कोडनानी पर आरोप लगा कि उन्होंने लोगों को दंगों के लिए उकसाया, वैसे ही SIT ने 2010 में जारी की गई अपनी प्राइमरी रिपोर्ट में कहा है कि गोंडिया मुस्लिमों के नरसंहार होने के लिए दोषी हैं। उन्होंने मुस्लिमों का नरसंहार होने दिया, इसके बावजूद उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन लेना तो दूर, प्रमोशन करके गोंडिया को सिविल डिफेंस का ज्वाइंट डायरेक्टर भी बना दिया गया। SIT ने कहा कि अगर गोंडिया ने जिम्मेदारी निभाई होती तो सैकड़ों मुसलमानों को जो निर्दोष थे उनको बचाया जा सकता था। जब तक साल 2009 में जाकिया जाफरी की याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और अधिकारियों की भूमिका की दोबारा से जांच करने के लिए SIT का गठन नहीं किया होता, तब तक इतनी हत्याओं और नरसंहार के बावजूद इन अफसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। क्या ऐसा संभव है कि सैकड़ों लोगों को एक जगह पर जला दिया जाए, 10 घंटे तक नरसंहार होता रहे, महिलाओं के साथ खुलेआम गैंगरेप किया जाए, उन्हें जला दिया जाए और जलाने के बाद उन्हें एक कुएं में डाल दिया जाए, लाशें इतनी हो जाएं कि 4 ट्रकों में ले जानी पड़े, बावजूद इसके इस इलाके के पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती? ये कैसे संभव है और क्यों है? बहरहाल अभी गुजरात की स्पेशल कोर्ट ने नरोदा गांव नरसंहार के सभी आरोपियों को मुक्त कर दिया। 21 साल पुराने केस कोर्ट में चलता रहता है। अब तो ईश्वर ही जानता है कि नरोदा पाटिया और नरोदा गांव के लोगों के कत्ल किसने किए, किसने उस भीड़ को भड़काया, किसने उसे हथियार बांटे। हो सकता है नरोदा पाटिया के 97 और नरोदा गांव के 11 लोगों ने खुद ही सुसाइड की हो। हो सकता है अदालतों में ये साबित भी कर दिया जाता। अगर ये केस अगले 20 साल और चल जाता तो हो सकता है ये साबित भी हो जाता कि नरोदा गांव के लोग कोविड के कारण मरे थे। इनका माया कुड़नानी और बाबू बजरंगी से कोई संबंध नहीं है जिन पर इन नरसंहारों के आरोप लगते हैं। फिलहाल हमें ये मान लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित SIT, जिसने माया कोडनानी को दोषी माना था, और स्पेशल कोर्ट की जज ज्योत्सना याग्निक, जिसने माया कोडनानी को दंगों की सरगना कहा था, और तहलका मैगजीन का वो स्टिंग ऑपरेशन जिसमें बाबू बजरंगी कत्लेआमों को स्वीकार करते और सेकी मारते हुए नजर आ रहा है, वे सब झूठे हैं। मरने वाले झूठे हैं, उनके परिवार झूठे हैं। सिर्फ सच्चाई है, सिर्फ एक सच्चाई है, सच्चाई ये कि देश में अदालती व्यवस्था है। दूसरी सच्चाई ये है कि इस देश में न्याय एक तुक्का है, लग जाए तो मिल जाएगा, नहीं तो 21 साल बाद भी नहीं मिलता। बहरहाल ये कहानी थी नरोदा पाटिया की, ये कहानी थी नरोदा गांव की। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और कमेंट भी कर लें, इससे वीडियो को और अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। गुजरात दंगों को लेकर मैंने एक बहुत ही डिटेल में सीरीज की है, इस सीरीज की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या सर्च करने पर भी मिल जाएगी, आपको देखनी चाहिए। बहरहाल तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पर। नमस्कार।